ज फाइव बी कम्प्लीट अब क्वेश्चन वन में एक्स की वैल्यू दी हुई थी ट्वेल्व और वाई ढूंढना था तो आपने एक्स की जगह ट्वेल्व लगा देना थ्री बाई फाइव एक्स है ना तो एक्स की जगह आपने ट्वेल्व लगा देना है तो थ्री बाई फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व हो जाएगा प्लस ट्वेंटी सिक्स तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 26 को प्लस कर देंगे तो आपका वाई जो है वो आ जाएगा 33 थ्री एज आ होल वन बाई फाइव अगर आप इसको फ्रैक्शन में रखना चाहें तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं क्वेश्चन टू में एक्स की वैल्यू टू दी हुई है तो एक्स की जगह आप टू लगाएंगे y की वैल्यू माइनस वन दी हुई है तो y की जगह माइनस वन लगाएंगे और z की वैल्यू माइनस थ्री है तो उसकी z की जगह माइनस थ्री तो आएगा माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री और माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा जिसकी वजह से वो पॉजिटिव वन बन जाएगा और माइनस टू जब माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव सिक्स बन जाएगा तो वन प्लस सिक्स सेवन होता है तो सेवन बाई फाइव आपका आंसर आ जाएगा थ्री में भी बस आपने वैल्यू पुट करनी है बस ये याद रखना है पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन है ये टू पार्ट में भी पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन है और क्वेश्चन टू में आप देख सकते हैं जैसे कि अंडर रूट जब भी आप लेते हो तो एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू नेगेटिव आती है सेवन और माइनस सेवन ये दोनों आएंगे

फिर है सम एस ऑफ स्क्वेयर ऑफ पी एंड क्यूब ऑफ क्यू ठीक है सम का मतलब होता है प्लस तो पी का स्क्वेयर और क्यू का क्यूब जब आप को आपस में प्लस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा एवरेज ये फोर नंबर है इनकी एवरेज निकालनी एवरेज का मतलब होता है सारे नंबर्स को प्लस करके उसको डिवाइड कर देना है ये इन ये जितने नंबर हों चार नंबर हैं एम एन पी एंड क्यू इन पर डिवाइड कर देना चार का चार से डिवाइड कर देना फिर आ जाएगा आपका डी पार्ट टाइम टी ठीक है डी पार्ट के अंदर भी आपने इसी तरह सिक्सटी सेकंड मल्टीप्लाई b बी कर देना ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना इक्वल की इस वाली साइड का के की वैल्यू दी हुई है और क्यू की दी हुई है के की क्या है सेवन और क्यू की क्या है दी हुई है नाइन तो सबसे पहले तो हम के की जगह सेवन लगाएंगे और क्यू की जगह नाइन लगाएंगे टू नाइन से एटीन होता है पी अब सेवन को अब नीचे थ्री इधर हो रहा है डिवाइड तो इक्वल के उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो गया अब एटीन इधर हो रहा है प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस तो जब पी ट्वेंटी वन से एटीन माइनस होगा तो आंसर आपका थ्री रह जाएगा अब यहाँ पे हमें u की वैल्यू दी हुई है सिक्सटीन वन बाई टू और एज की दी हुई है टू तो u की जगह तो सिक्सटीन वन बाई टू लगा देंगे और एज की जगह आप लगा दोगे टू सबसे पहले तो पाई की जगह आप लगाओगे ट्वेंटी टू बाई सेवन पहले भी बताया था पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन होती है इनको आप सॉल्व करोगे ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन बाई वन ओवर टू मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इधर वो डिवाइड हो रहा था आर प्लस टू से ठीक है अब आर प्लस टू जैकेट खुल जाएगा खुलने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है जो फाइव वन ओवर फोर आ जाएगा उसमें से आपने टू को कर देना माइनस जब आप माइनस करेंगे तो थ्री वन बाई फोर आ जाएगा एट में भी उन्होंने वी की वैल्यू दी है यू की वैल्यू दी है जी की दी है इन्हीं को इसी तरह आपने पुट करना है पुट करने के बाद प्लस माइनस करके आपने एस की वैल्यू निकाल लेनी है क्वेश्चन में ए बी और डी की वैल्यू दी हुई है तो निकालेंगे क्या सी तो सबसे पहले ए की जगह थ्री लगाएंगे बी की जगह फोर लगाएंगे और डी की जगह आप लगाओगे माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस होता है तो थ्री बाई फोर से फाइव होगा प्लस तो जब भी सिंगल वैल्यू प्लस होती है ना तो वो उसके होल के साथ अटैच हो जाती है तो फाइव एज होल थ्री बाई फोर ये जाएगा और उसके बाद ये जो ये सी है इसको हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे अब इसको जब आप इसके नीचे टू डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव एज अल वन ये आ हाँ जाएगा एलेवन एज आ होल वन बाई टू फिफ्टीन के पार्ट वन में हमने ऑड नंबर फाइंड करना है ऑड नंबर होता है टू फोर सिक्स एट तो सबसे स्मॉल से हम कंजर्गेटिव हमने तीन लेने हैं तो सबसे पहला हम एन ले लेते हैं एक्स एन कुछ भी ले सकते हैं दूसरा एन प्लस टू क्योंकि ओड लेना है और इसी तरह तीसरा एन प्लस फोर या कोई भी एक ग्रेटेस्ट ढूंढना लेना एन प्लस फोर ले लें ठीक है उसके बाद आपने इन तीनों को ऐड करना है एन एन प्लस टू एन प्लस फोर को ऐड करेंगे तो थ्री एन प्लस सिक्स आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट तो पार्ट के अंदर हमने सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा निकाला था कंजर्वटिव ऑर्डर नंबर एन प्लस फोर तो एन प्लस फोर को हम इक्वल रखेंगे माइनस वन जीरो वन के क्योंकि इन्होंने इधर ग्रेटेस्ट ऑर्ड नंबर इक्वल दिया हुआ वन जीरो वन के तो यहाँ पे माइनस है उधर प्लस फोर है माइनस फोर इधर आके माइनस फोर बन जाएगा माइनस वन जीरो वन माइनस फोर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा तो होगा ऐड वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो फाइव बन जाएगा मगर साइन माइनस का ही लगेगा और फिर उसके साथ जब आप ये ढूंढ लेंगे तो फिर आप इसको एस के फार्मूले के अंदर लगाएंगे जो हमने ढूंढा था थ्री एन प्लस सिक्स तो वन ज़ीरो फाइव को हम लगाएंगे थ्री एन प्लस सिक्स में एन की जगह और इसमें हम सिक्स को ऐड कर देंगे और थ्री को करेंगे मल्टीप्लाई तो येगा माइनस थ्री ज़ीरो नाइन आपका आंसर आ जाएगा जी सिक्सटीन के पार्ट वन में हमें सिर्फ फार्मूला बनाना है टी को हमने फाइंड करना है सी को मल्टीप्लाई बाई डी करेंगे इसलिए क्योंकि सी पेंस जो हैं वो डी डॉलर के हैं और ई e को मल्टीप्लाई बाई एफ़ करेंगे क्योंकि ई e पेंसिल्स जो हैं वो एफ सेंट्स की हैं इनको मल्टीप्लाई करके और इनको आपस में हम कर देंगे प्लस प्लस करने का आपके पैसा सी डी प्लस ई एफ ओवर हंड्रेड सबसे पहले तो हम जो आपका सेकेंड पार्ट है उसके अंदर पहले वैल्यूज़ लगाएंगे जैसे डी की वैल्यू थ्री दी हुई है ठीक है और ई e की वैल्यू वन फिफ्टी दी हुई है इसको लगा के हम ये दोनों फार्मूलाज को सॉल्व करेंगे माइनस वन फोर्टी फाइव सी और फोर माइनस सी और इसी तरह एफ प्लस फाइव जब ये सॉल्व हो जाएगा तो आपके पास आपकी वैल्यू निकलेगी फाइनल ठीक है डी को थ्री लगा के आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे तो वो भी आपकी वन फोटी फाइव निकल आएगी अब जब ये निकल आएगी तो हमने पहले क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन ढूंढा था उससे आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं अब सारी वैल्यूज़ को आप टी वाले एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन सेवन में भी इसी तरह आपने बस एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसके अंदर टेम्परेचर्स पुट करने हैं जैसे एक्स वन थर्टी फोर है टेम्परेचर वन थर्टी फोर फॉर फॉरनाइस में दिया हुआ था आपने इधर पुट कर देना है इसी तरह एक्स इज़ इक्वल टू तो ज़ीरो है पार्ट टू में तो उसको आपने एक्सप्रेशन की जगह वो पुट कर देना है और थर्ड पार्ट में माइनस सिक्सटी टू पॉइंट वन सेंटीग्रेड जा रहा है वहाँ करके आपने पुट करना है और उसके बाद आपको जो आपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर निकालना था वो माइनस सेवेंटी नाइन पॉइंट एट फारेनहाइट्स आ जाएगा